कर दिखाया है दैट अगर सिस्टमैटिकली पढ़ा जाए देन इन दैट केस कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाए देन डेफिनेटली सेवेंटी प्लस इज पॉसिबल जीता जागता उदाहरण है हर किसी को रैंक नहीं आया है सो so, क्या चीजें इन्होंने फॉलो की है वो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटेजीज यूज बाई स्टूडेंट हुई प्लस इन एस सी एम पीई सो आई जस्ट नीड योर फाइव मिनट्स

Quickly, देखते हैं कि क्या अपने को फॉलो करना है सबसे पहला चीज कवर एवरीथिंग वेल स्टडी आदत होती है अपनी के, सर स्टार्टिंग से ही एबीसी एनालिसिस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर ले तो चलेगा क्या वेल द आंसर इज अ स्ट्रिक्ट नो आपको पता है नवंबर 22 के एग्जामिनेशन में आईसीएआई का फर्स्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी का था दैट वाज ऑन बजेटरी कंट्रोल चैप्टर जो एक बोलते ना इग्नोर है, हर कोई हर स्टूडेंट का बट इंस्टीट्यूट को आपसे ज्यादा नवंबर 22 पेपर अब अगर आप उसको सिस्टमैटिकली करके गए होते देन इन दैट केस हैव स्कोर्ड वेरी वेल यस उन लोगों का जिसका भी मैंने आपको फोटो दिखाया उन सब ने किया था इसीलिए दे वर एबल टू स्कोर गुड सो प्लीज कवर एवरीथिंग बहुत ज्यादा वास्तव नहीं है चीजें आराम से मैनेज हो सकती है अगर सिस्टमैटिकली ढंग से काम किया जाए तो ओके okay? सो so, सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को फोन आता है सर, मेरा थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं थ्योरी अच्छे से कर लेता हूं सर प्रैक्टिकल मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग छोड़ा तो चलेगा क्या नहीं नहीं चलेगा भाई अगर डिसीजन मेकिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से आईसीआई ने पूछ लिया फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी मार्क्स का देन इन दैट केस सी इट्स अ डू अट फॉर अस सो so, अपन कहीं पे भी रिस्क नहीं लेना चाहते एंड उसके लिए क्या करना है वो अब आगे मैं आपको बताने जाने वाला हूं तो सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लो यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग आईसीआई उसी चीज को पूछेगा जो आप छोड़ोगे ठीक है आपसे और मेरे से कंबाइंड एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है इंस्टीट्यूट के पास सो लेट्स नॉट रिस्क दैट दूसरी चीज क्या मटीरियल एंड रिसोर्सेज फॉलो करना है पहले से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ठीक है

ऑप्टिमाइज है मैजिक बुक है केस मैंने इसी चीज का कवरेज किया यहाँ पे तो आप अगर एक ही जगह पे सब तो चाहिए अगर कोई और फैकल्टी का भी कुछ लिया हुआ टेंशन नहीं है जस्ट इंश्योर कि ये चार चीजों में से ही पेपर आने वाला है ऑल इंडिया रैंक थ्री का मैंने ये बार इंटरव्यू डाला है आप उसका प्लीज इंटरव्यू सुनिए सेवेंटी सिक्स मार्क्स सो ऑब्वियसली अपने को भी उन्हीं के फुटस्टेप चलना है उन्हीं उन्हीं ने उनी से कितनी बार रिवीजन किया है वो अपने को सीखे अप्लाई करना है सो आईसीआई मॉड्यूल केस केस स्टडी स्टडी डाइजेस्ट डाइजेस्ट ये बार -digest से भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछना चालू कर दिया है सो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट आरटीपी पास पेपर बाई डिफॉल्ट करना ही है राइट गाइड सो ये रिसोर्सेज आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ठीक है मैं ये फॉलो करने वाला हूँ ठीक है ना या तो मैं इंस्टीट्यूट का ये भाई मॉड्यूल हो गए मेरे पास केस स्टडी डाइजेस्ट का प्रिंट ले लो आरटीपी पास पेपर्स जो भी है लास्ट तीन चार अटेम्प चार अटैप्ट का ले लिया बस हो गया चार के ले लो ये आपका बन गया पूरा का पूरा बन पढ़ो इसको तीन बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा या जैसा मैंने बोला आपके पास ऑप्टिमाइज मैजिक बुक है उसको रिवाइज करना है जो आपको यूज करना है कोई प्रॉब्लम नहीं बट लेट्स बी वेरी क्लियर ऑफ आर रिसोर्सेज ठीक है डन सो so, ये दो चीज क्लियर रखना थर्ड रिविजन वीडियो एटलीस्ट दो या तीन बार देख लो

प्रैक्टिकल चैप्टर एवरी प्रैक्टिकल चैप्टर इज कवर्ड यो खाली पीडीएफ की लिंक पर क्लिक कर रहा है एंड यू विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट आप कोई भी चैप्टर चालू कर रहे हो उसके पहले एक क्विक रिविजन ले लो यहां से एंड देन यू कैन डू द होल चैप्टर वाई से वर्षा एक बार पूरा वो चैप्टर हो गया उसके बाद वापस से ये रिविजन वीडियो देख लो दिमाग में सब चीजें सेट हो जाएगी एक डेढ़ घंटे में सो आई थिंक दैट विल रियली रियली बी वेरी हेल्पफुल टू यू और ट्रैवलिंग करते वक्त चाय विद कॉस्टिंग है के स्टडीज सुपर 50 जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो अगर बराबर से कर लिए देन देयर इज नो लुकिंग बैक सो गाइस प्लीज देखो चीजें सब अवेलेबल है अब अपने एफर्ट्स के ऊपर है अपन कितना एफर्ट्स डालेंगे बोलते हैं ना दूध में जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा राइट तो आप अपने प्रिपरेशन में जितना रिवीजन डालोगे उतना मार्क्स बढ़ेगा क्या बात है राइट सो so प्लीज इंश्योर क्या आप इसको यूज कर रहे हो सर ये कहाफिनेटी इमीजिएटली आई एम शेयरिंग इज ऑन योर ऑन माई टेलीग्राम चैनल वहां से आप पिकअप कर सकते हो यू विल गेट ऑल ऑफ दिस विदउटूज प्लीज जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं वो रिसोर्सेज आप लोग के पास रिविजन फॉर्म में यहां पर है जस्ट यूज देम इन द बेस्ट वैनर पॉसिबल रोज का एलोकेट कर दो भाई ये रिविजन वीडियो का मेरा एक घंटा है 1.5 की स्पीड पे देखना है आजकल अपन 1.5 की स्पीड से तो नीचे देखते ही नहीं है सो तो अगर वन एंड हाफ आवर का भी वीडियो हुआ तो ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स एक घंटे में अपन कंप्लीट हो जाएगा राइट बट वो टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको वो टारगेट सेट करके अगर फॉलो करोगे ना भाई देन इन दैट केस डेफिनेटली विल बी एबल टू क्रैक इट देन आता है केस स्टडीज अब क्वेश्चन नंबर वन क्लियर कर दिया इंस्टीट्यूट ने बॉस केस स्टडीज के ऊपर ही पूछने वाला है वो हो सके तो उसको लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करना यूजुअली एक थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको केस समझना पड़ेगा जो भी उसके मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा सो so, इसके लिए केस स्टडीज के ऊपर ग्रिप रहना है बट केस स्टडीज अगर अपने को ग्रिप चाहिए तो उसके लिए पहले थियोरी सही होना चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे केस स्टडीज आप लिखोगे तो थ्योरी के पैटर्न से ही right? राइट फिर बाद में आता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस विद मेन वर्ड्स प्लीज ये चीज को मत भूलना लिखना पड़ेगा दिमाग में सबकॉन्शियसली स्टोर हो रहा है लिखते रहो सबकॉन्शियसली स्टोर हो रहा है एटलीस्ट एक टेस्ट पेपर लिखो सो so दैट आपको कॉन्फिडेंस रहे मेन एग्जाम में जाने के पहले दोस्तों आप ये प्रॉपर सिस्टमैटिकली फॉलो करो पीडीएफ को रेगुलरली यूज करते रहो और भी मैं बहुत सारी टिप्स देते रहूंगा और रेगुलर बेसिस में आते रहूंगा और आप लोग को बताते रहूंगा कि कैसे अपन मैक्सिमम स्टोर कर स्कोर कर सकते हैं इन दिस सब्जेक्ट बाकी आप लोग की कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स हो तो मुझे जरूर बताना मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को क्या आ, आ, बोलते हैं ना कौन सा फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो रखना है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर्स मतलब कौन सा पहले चैप्टर करना चाहिए कौन सा चैप्टर सेकेंड कौन सा चैप्टर थर्ड सो so, सीक्वेंस क्या होना चाहिए चैप्टर्स का वो अब मैं आप लोगों के साथ मेरे अगले वीडियो में सेट करूंगा right, और आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट्स पे बताइए एंड डेफिनेटली आई विल ब्रिंग दैट विद यू तो और भी ये yes, जैसे जैसे कंटेंट सो फेब्रुवरी में काफी सारा कंटेंट से रिलेटेड भी डालूंगा फिलहाल जो ये आप लोग के पास कंटेंट है डेफिनेटली इट इज मोर फॉर यूजफुल टू यू कुछ और रिविजन स्ट्रेटेजी जैसे कुछ मेरे पांच पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किया है एक फेलियर स्टूडेंट के साथ भी बैठ के और एक स्टूडेंट जो पास किया है जिसने फर्स्ट अटैप्ट उसके साथ बैठ के दोनों के साथ बैठ के और रैंकर के साथ बैठ के मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट बनाया है वो भी डिस्कस करूंगा सो ऑल ऑफ दोंग्स ऑल्सो कमिंग अप योर वे ठीक है बट सबसे पहले जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये चार पांच चीजों का अपने को ध्यान रखना है गारंटीड सेवेंटी प्लस जाएगा ठीक है तो ये भी आप लोग सेव कर लो कहीं पे आप लोग का आ, बोलते हैं ना एक जब भी एस सी पढ़ने बैठो तो आप लोग का ये वॉल पेपर होना चाहिए चलो गाइस एनीथिंग एल्स डू शेयर मी इन द कमेंट्स मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ और चीजों के साथ आते रहूंगा अस्तलास्ता टेक केयर मच